नमस्कार दोस्तों, पवन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आज हम करने वाले हैं ट्रेपेजियम। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल और साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, वहां पर आपको 9th के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। हालांकि मैंने पूरे 10th के वीडियोस आपके लिए अभी से अपलोड करके रखे हैं, तो आपको 10th में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10th का मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का पूरा सिलेबस अपलोड है और साथ में साइंस के भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं और कुछ वीडियोस मैं अपलोड कर ही रहा हूं। उनसे आपको आने वाले टाइम में भी मदद होगी। इस साल का जो आपका सेकंड सेशन का जो मैथ्स है, वो दूसरे सत्र का, वो पूरा का पूरा मैथ्स में अपलोड करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको इस सेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। लास्ट ईयर मैंने ये सेशन शुरू किए थे, 9th के लिए मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू किए थे, लेकिन ड्यू टू माय सम हेल्थ प्रॉब्लम आई वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू दैट। ओके, तो वो रह गया मेरा, सॉरी उसके लिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ज्यादा बात नहीं करते, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आज हम कर रहे हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा जिसके अंदर जो अपोजिट साइड है, एक पेयर अपोजिट साइड। हर क्वाड्रिलेटरल पे कितने पेयर होते हैं अपोजिट साइड के? दो पेयर। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक ये जोड़ी, एक ये जोड़ी। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इन द क्वाड्रिलेटरल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। डेफिनेशन फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। अ क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर एक पेयर अपोजिट साइड, एक पेयर जो हो पैरेलल हो, तो वो ट्रेपेजियम होता है। फिर उसमें दूसरी पेयर क्या होती है? दूसरी पेयर जो होती है वो नॉन पैरेलल साइड्स की होती है। वो नॉन पैरेलल पैरेलल होती है, पैरेलल नहीं होती, वो नॉन पैरेलल होती है। ओके, तो इस तरह का जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसे ट्रेपेजियम कहते हैं। मैं जानता हूं आपको ट्रेपेजियम की डेफिनेशन पता है, आपको पता है ट्रेपेजियम क्या है, लेकिन मेरा काम है आपको उस तरीके से बता रहा हूं। अब देखिए, इसमें एक चीज है कि ट्रेपेजियम में एक टाइप होता है, एक तो सिंपल ट्रेपेजियम की हम बात करें, और ट्रेपेजियम का एक टाइप होता है जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाए। तो इस ट्रेपेजियम को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, देखिए डेफिनेशन यहां पर क्या है। यहां डेफिनेशन है क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। और इसकी डेफिनेशन क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड अनदर नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। या उसको ऐसा कहे कि अ ट्रेपेजियम हुज, ऐसा भी कह सकते हैं, अ ट्रेपेजियम हुज वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल। ओके, जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो वो क्या होगा? दैट विल बी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अ ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल, इक्वल इन लेंथ या इक्वल, इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब देखिए यहां पर ये ट्रेपेजियम या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में कुछ बातें समझ लीजिए। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि अगर हम देखें तो ये बात क्लियर है कि ये पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइंस ए बी और ये साइड इसके पैरेलल, लाइन नहीं, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये यहां पर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो अगर दो पैरेलल लाइन में से एक ट्रांसवर्सल जाए तो क्या होगा? फिर ये दोनों इंटीरियर एंगल होंगे। तो एंगल ए और एंगल डी यहां पर ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। एंगल ए और एंगल डी का सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 180? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है एडी, तो दैट इज वाई दे आर दी इंटरनल एंगल्स, और जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसके लिए एंगल ए और एंगल डी का सम हो जाएगा 180। उसी तरह से यहां पर ए बी और सी डी जो पैरेलल है उसमें अगर हम इसकी बात करें तो यहां बी सी ट्रांसवर्सल का काम कर रही, तो फिर यहां पर एंगल बी और एंगल सी जो है वो भी सप्लीमेंट्री होगी, मतलब उनका सम भी 180 होगा। अब देखिए यहां पर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में इसमें क्या स्पेशल बात है? इसमें स्पेशल बात ऐसी होती है कि जब ये दो साइड इक्वल है तो यहां पर ये दो एंगल, एक एंगल ये और एक एंगल ये आपस में इक्वल हो जाते हैं, और एक एंगल ये और एक एंगल ये आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन यहां पर भी ये चीज होती है, यहां पर भी क्या, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 होगा, और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहां पर इन दोनों का सम भी पैरेलल होगा, 180 होगा या सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो यहां पर वन साइड के जो इंटीरियर एंगल होंगे, चाहे वो ट्रेपेजियम हो चाहे वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो, उनका एडजेसेंट एंगल वन साइड के, कौन से? पैरेलल साइड वाले। तो पैरेलल साइड्स के जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं, ये वाले और ये वाले, ये भी सप्लीमेंट्री होंगे, ये भी सप्लीमेंट्री होंगे, ये भी सप्लीमेंट्री होंगे, ये भी सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहां पर भी क्या होगा कि एंगल पी और एंगल एस
इनका सम भी 180 होगा और एंगल क्यू और एंगल आर इनका सम भी 180 होगा, ये भी सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये चीजें देखे रखिए। इसमें एक और चीज देखे रखिए, आपकी टेक्स्ट बुक में वहां पेज नंबर 69 पर आपको देखे रखा है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम। नॉन पैरेलल साइड के अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, तो जैसे सपोज ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दे, तो ये यहां पर मीडियन का काम करेगी। ओके, मैं इसको स्केल से ड्रॉ कर लेता। सपोज ये मिड पॉइंट है और मैंने ये स्केल से इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है, मैंने हाथ से ड्रॉ किया, माफ कीजिएगा उसके लिए। वैसे यहां पर अगर सपोज इसका मिड पॉइंट ये है और सपोज इसका मिड पॉइंट ये है, और अगर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया यहां पर, तो ये जो होगी ये ट्रेपेजियम की जो होगी, इसे हम कहेंगे मीडियन, ठीक है, ये होगी मीडियन। अगर तिरछी हुई है तो सॉरी उसके लिए, आप समझ सकते हैं कई बार जल्दी जल्दी में ऐसा होता है। चलिए एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले तीनों जो डेफिनेशन हमने सीखी है, तीनों जो बातें सीखी है, वो मैं फिर से रिपीट कर दूं। पहला क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या होती है, अ क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा जिसकी वन पेयर अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो तो वो ट्रेपेजियम होता है। नंबर टू, इफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, then that trapezium, that quadrilateral is called isosceles trapezium. उसकी अलग definition मैंने आपको क्या बताई, a trapezium whose non-parallel sides are equal is called isosceles trapezium. ऐसा भी बोल सकते हैं। और उसके बाद third definition हमने सीखी इसकी median की। median की definition क्या देके रखी है, the segment joining the midpoints of the non-parallel sides of the trapezium is called a median of the trapezium. तो ये भी यहाँ पर median है, ये भी यहाँ पर median है। non-parallel sides के midpoint को join करके आप line खींच लेंगे, तो वो भी वो होगी मीडियन। अच्छा, वो मीडियन क्या करेगी, वो मीडियन फिर से आपको दो ट्रेपेजियम बना देगी, ये भी ट्रेपेजियम होगा, ये भी ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने टोटली देखे रखा है। एक काम करते हैं, आप हम पहुंचते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, जो प्रैक्टिस सेट देखे रखा है हमें, प्रैक्टिस सेट 5.4। प्रैक्टिस सेट 5.4 के हम जो तीन ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, अब हम उनको करते हैं। आइए दोस्तों, अब प्रैक्टिस सेट 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या देखे रखा है, यहां हमें दिया है इन क्वाड्रिलेटरल आईजे के एल, आईजे इज पैरेलल टू KL, ठीक है, IJ और KL ये आपस में पैरेलल है क्वाड्रिलेटरल में। और क्या देख रखा है, एंगल I जो देख रखा है 108 डिग्री देख रखा है। ओके, तो इसे 108 लिखिए, ठीक, और एंगल K जो देख रखा है 53। अब देखिए, मैंने यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सर ने डायग्राम बना लिया, डायग्राम बुक में दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, तो हमें तो बनाना होगा। अच्छा, हम बनाएंगे, एक बार ध्यान रखिए, जब आप डायग्राम बनाएंगे, मैंने यहां पर आई जे के एल लिया, अगर मैं ऐसा लिखता यहां पर आई लिखता, यहां जे लिखता, यहां के लिखता, तो रॉन्ग हो जाता। क्यों, अगर मैं यहां आई लिखता तो आई बनता 108, ये 108 है नहीं, ये है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को आप ऑब्ट्यूस कैसे बता सकते हो, तो रफ फिगर बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहां पर जहां ऑब्ट्यूस एंगल होगा हम वहीं पर उसको उस तरह से नाम करेंगे, जहां एक्यूट एंगल होगा वहां पर उस तरह से नाम करेंगे। रफ फिगर भी हो लेकिन उसमें भी गलती नहीं होना चाहिए। अच्छा, रफ फिगर बनाना चाहिए ताकि उसके आपको आइडिया आ जाता है कि करना क्या है क्वेश्चन में, ठीक। हमें क्वेश्चन में क्या देख रखा है कि आईजे के एल एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी दो साइड्स आपस में पैरेलल है, इतना देख रखा है, और दो एंगल देख रखे। व्हाट वी हैव टू फाइंड, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल जे एंड एंगल एल। जे और एल हमको निकालना है। अब जे और एल अगर आपको निकालना, तो देखिए कैसे निकालेंगे भाई, हमें यह पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360, ठीक है, लेकिन उससे काम होगा कि यहां नहीं होगा उससे काम। यह है ट्रेपेजियम, क्लियर दिख रहा है कि वन पेयर जो है वो अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है, तो वो ट्रेपेजियम होगा। हम यहां पर ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि द वन साइड इज पैरेलल सो द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम, आप ऐसा लिखिए, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक पेयर ये ले लेंगे क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे भाई, ये लाइन अगर पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो फिर ये इंटीरियर एंगल होंगे, तो ये सप्लीमेंट्री होंगे, तो ये 108 है, तो ये भी निकल जाएगा। वैसे ये लाइन पैरेलल है तो ये इंटीरियर एंगल होंगे, यहां पर जेके जो है वो ट्रांसवर्सल होगी, तो ये इंटीरियर एंगल फिर से सप्लीमेंट्री होंगे, तो इन दोनों का सम 180 आएगा, उससे हम इसको निकाल लेंगे। मतलब सिंपली आपको सिंपल वे में करना है, डरना बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहां पर मैंने लिख के रखा है गिवन, गिवन में आप इतना पार्ट लिखना है आपको यहां पर, उसके बाद टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, जे और एल की वैल्यू फाइंड करना है। तो लिखिए यहां पर एंगल जे एंगल एल, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में यहां लिखिए इन क्वाड्रिलेटरल आईजे के एल साइड आईजे इज पैरेलल टू साइड के एल एंड साइड,
मैं ये पहले निकाल रहा हूं एल, आप चाहे तो उसको पहले निकाल सकते हैं, या मैंने किसको साइड हमें पहले किसको निकालना है, जे को निकालना है, तो हम इसको पहले ले लेते हैं। आईजे इज पैरेलल टू के एल एंड जेके इज साइड जेके इज ट्रांसवर्सल, साइड जेके के जे इज ट्रांसवर्सल, सो दैट द इंटीरियर एंगल विल बी सप्लीमेंट्री। ओके, मेजर ऑफ एंगल जे प्लस मेजर ऑफ एंगल के विल बी 180 डिग्री। ओके, दे आर द इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। चलिए जे हमको निकालना है, तो मेजर ऑफ एंगल जे ऐसा का ऐसे रखिए, और के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू हमारे पास देख रहे थे 53, ये लिखिए 53, ठीक है, ये 180, इसको उधर शिफ्ट कीजिए, तो मेजर ऑफ एंगल जे क्या आ गया, 180 में से 53 को माइनस करना है। अब 180 में से 50 गया तो बचा कितना, 130, और 3 चलेगा, 127 डिग्री आ गया मेजर ऑफ एंगल जे। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ये आ गया 127 डिग्री। ठीक है, अब हमको निकालना है एल, यहां लिखिए सिमिलरली अगेन साइड IJ is parallel to side KL and side IL is transversal. ये transversal है, तो फिर से ये दोनों interior angle होंगे, angle I और angle L, और इनका sum होगा 180 degree का, they are the interior angles. ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यहां पर I की वैल्यू हमने लिखी 108 और L की वैल्यू तो हमको निकालना है, और ये 180, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको यहां रखिए, मेजर ऑफ एंगल एज इट इज, 180 में से 108 माइनस हो गया, तो ये बचेगा 72 डिग्री, तो मेजर ऑफ एंगल L के आगे 72 डिग्री, सो दैट मेजर ऑफ एंगल J कितना आया हमारा 127, एंड मेजर ऑफ एंगल एल कितना आया, वो आया 72। बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, सिंपल वे में करना है, आप अगर इसे लिखना चाहें तो टेक दी स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन सेकंड करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही क्वेश्चन सेकंड भी बहुत सिंपल है। क्या देख रखा है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी साइड बीसी इज पैरेलल टू साइड एडी। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एक पेयर है जो पैरेलल है, एंड साइड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू डीसी, साइड ए बी डीसी के कॉन्ग्रेंट है, और एक जो पेयर है वो कॉन्ग्रेंट है। इफ एंगल ए 72 डिग्री देन फाइंड एंगल बी एंड डी। ओके, हमें एंगल बी और डी निकालना है, एंगल ए देख रखा है 72 डिग्री। अब देखिए यहां पर एक्यूट एंगल कौन से है, एक्यूट एंगल एक यहां पर ये है, एक ये है, मतलब हम ए जो लिखेंगे या तो यहां लिखेंगे या फिर यहां लिखेंगे। एक काम करते हैं, हम यहां लिख लेते हैं, इसको देते हैं नाम ए बी सी डी। अब देखिए ये जो डायग्राम है इसको सेटिस्फाई करता है क्या, फिगर को, क्या क्वेश्चन को, क्या देख रखा है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी साइड बीसी इज पैरेलल टू एडी। देखिए बीसी एडी के पैरेलल, ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके नाम फिर बदलेंगे, जो हमने इस तरह से दिया है ऐसा ना करके हम इसके नेमिंग चेंज करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको जानबूझ के करके बता रहा हूं ताकि आपको इस चीज का आइडिया आ जाए कि आपको डायग्राम बनाते समय क्या क्या ध्यान में रखना है। अब देखिए अब हमारा डायग्राम क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है क्या, चेक कर लीजिए, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बीसी इज पैरेलल टू एडी, दिख रहा है पैरेलल दिख रहा है, एंड एडी इज कॉन्ग्रेंट टू डीसी, एडी और डीसी जो है वो कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो यहां पर आप मार्किंग कर लीजिए कॉन्ग्रेंट की। ठीक है, आगे आते हैं, एंगल ए 72 देके रखा है, 72 इसको मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, हमें क्या बोलता है, एंगल बी और डी निकालना है, बी निकालना, तो पहले हम बी तो सिंपली निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है और हम इसको ट्रांसवर्सल ले लेंगे, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, सप्लीमेंट्री आएगा, उस तरह से हम उसको निकाल लेंगे। और फिर जो डी निकालना है उसके लिए हम अलग कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। अभी देखिए हमारी जो टेक्स्ट बुक में जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दिया है, ये जो है ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, क्योंकि यहां पर दो साइड इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की सिर्फ हमको डेफिनेशन देके रखी, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं दी है, अगर उसकी हमें प्रॉपर्टीज दी होती तो ये क्वेश्चन बहुत क्विकली सॉल्व हो जाता, डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी लगाते सॉल्व कर देते। हम क्या करते हैं, ये 72 है तो इसको भी 72 लिख देते, और ये जो आता है ये आएगा हमारा 108 के आसपास, हाँ 108 ही आएगा, तो ये भी 108 हो जाएगा,
मतलब हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा के लिख सकते थे, लेकिन वैसा हमें प्रॉपर्टीज दी नहीं है, ठीक है, तो हमें उसको वहां प्रूफ करना पड़ेगा, हमें वहां पर कुछ चीजें लाना पड़ेगी, ठीक। तो पहले काम करते, पहले हम बी फाइंड करते, उसके बाद हम डी के लिए काम करेंगे, ठीक। यहां लिखिए, आपको गिवन लिखना है, गिवन आप लिख सकते हैं, यहां से लेकर के आपको यहां तक गिवन लिखना है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक के ये पूरा का पूरा गिवन है। टू फाइंड जो होगा आपका वो भी आप कर सकते हैं, मतलब अब ये जो टू फाइंड है, टू फाइंड में आप क्या लिखेंगे, टू फाइंड में हम लिखेंगे हमको दो एंगल निकालना है, एंगल बी की वैल्यू निकालना है हमको और एंगल डी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। मैं यहां पर करता हूं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखिए इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी साइड बीसी इज पैरेलल टू साइड एडी, बीसी और एडी पैरेलल है, ठीक है, बीसी और एडी अगर पैरेलल है, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम आएगा, साइड बीसी इज पैरेलल टू साइड एडी, ठीक है। तो यहां देखिए बीसी एडी के पैरेलल है, बीसी इज पैरेलल टू एडी है, एडी इज ट्रांसवर्सल एंड साइड एबी इज ट्रांसवर्सल, सो दैट वी कैन राइट हियर एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी 180 डिग्री, दे विल बी सप्लीमेंट्री। एंगल ए कितना है, 72 डिग्री का है, एंगल बी हमको निकालना है 180 डिग्री, तो एंगल बी क्या होगा, 180 माइनस 72 डिग्री, तो एंगल बी हो जाएगा दैट इज 108 डिग्री। तो ये हो गया एंगल बी, पहला हमने निकाल लिया। हमको अब डी निकालना है, हमें अब डी निकालना है, ये हमने निकाल लिया है 108 डिग्री, ठीक है। अब डायरेक्टली बी कैसे निकाले, तो उसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, डू वन थिंग, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन एडी, पहला परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करो और ड्रॉ वन मोर परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन एडी, ओके, दो परपेंडिकुलर डालो, इसका नाम दो ई, इसका नाम दो एफ, ठीक है, दो नाम हमने दे दिए। अब देखिए यहां पर हमें, यहां पर हमने जो कंस्ट्रक्शन किया, हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किया, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, हमें पता है कि एंगल ए और एंगल डी इक्वल आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टीज पहले ही बता दी थी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, लेकिन हमें यहां प्रॉपर्टीज हमारी टेक्स्ट बुक में देके नहीं रखी, तो उसके लिए हमको ये काम करना पड़ रहा है, ओके। यहां लिखिए टू फाइंड the value of angle D, we will draw perpendicular from, we will draw, direct ऐसा लिखो, BE perpendicular on AD and CF perpendicular on AD. अब यहां पर हमको दो triangles मिले हैं, हमें इन दो ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट बता देना है। अगर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, दो ट्रायंगल बताने के लिए कोई भी तीन चीजें हमको बताना होती है, कि वो तीन चीजें, कोई भी तीन चीजें, कोई भी, या दो साइड या एक एंगल, ठीक है, तीनों एंगल नहीं होते। तो यहां एक तो ही हमारे पास ऑलरेडी है, दूसरा हम ये बीई और सीएफ ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होता है, ओके, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ये इक्वल, ये मतलब ये पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये इक्वल हो जाएगा, और एक राइट एंगल दोनों का है, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है, तो आरएचएस से हम कर सकते हैं, राइट हाइपोटेन्यूज साइड से हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ओके। यहां लिखिए इन क्वाड्रिलेटरल एबीई, सॉरी, इन ट्राइंगल एबीई एंड ट्राइंगल सी डीसीएफ, डी सी एफ, ठीक है, ट्राइंगल ए बी ई और डी सी एफ में, ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले, सबसे पहले लिखिए कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, इट इज गिवन, हमें क्वेश्चन में देके रखा है, ठीक है। अगला हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ, ओके, बोथ आर परपेंडिकुलर बिटवीन टू पैरल लाइन्स, और परपेंडिकुलर जो होता है टू पैरल लाइन्स के बीच में वो इक्वली होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरल लाइन सेम,
ओके, यहां लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, हम जो भी यहां पर रूल्स लगाते हैं उनको यहां पर लिखना जरूरी है, ठीक है, ताकि आपके आपका एक मार्क भी वहां कट नहीं हो, ठीक है, और सामने वाले को भी पता चले, मतलब आपके टीचर को भी पता चले कि आपको ये सब चीजें पता है। ठीक, ए बी इक्वल आ गया, ओके, राइट एंगल पहले लिखना चाहिए था क्योंकि हमको आरएचएस बताना है। देखिए, मैंने यहां पर हाइपोटेनस ले ली, पहले मैंने हाइपोटेनस बता दी और मैंने साइड बता दी ये वाली, ओके, तो यहां पर मुझे अगर राइट एंगल बताना है ऊपर, तो एक काम करता हूं, मैं यहीं पर एंगल लिख देता हूं, एंगल एईबी, एंगल एईबी इक्वल टू एंगल एईबी इक्वल टू डीएफसी, एंगल डीएफसी बोथ आर 90 डिग्री। तो देखो ये हो गया राइट, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया साइड, ठीक है, तो यह लिखिए फ्रॉम आरएचएस कॉन्ग्रेंट क्राइटेरियन और क्राइटेरिया व्हाट बोथ द ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी सी एफ, और अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल ए जो कॉन्ग्रेंट होगा किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, डी के, क्यों, इसको लिखेंगे सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, और अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो इनके मेजरमेंट भी इक्वल हो जाएंगे, इनके मेजरमेंट इक्वल हो जाएंगे, यहां लिखिए ए और डी, इसकी वैल्यू हो गई 72 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से करना है, बहुत सिंपल है, डरना बिल्कुल नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो मैथ सेकंड है ना, इसमें जो क्वेश्चन प्रूव करने के हैं उनको देख के बच्चे डरते हैं, तो डरना नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेकंड की तरह ही है, इवन डायग्राम भी आप देखेंगे तो वही डायग्राम है। मैंने गलती ये करी कि मैंने उसको इरेज कर दिया, इरेज नहीं करना चाहिए था, बहुत सारी चीजें वही सेम है। ठीक है, वही चीजें यहां करनी है, कुछ भी अलग नहीं है। क्या लेके रखा, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी साइड बीसी इज लेस देन एडी, बीसी जो है एडी से लेस देन है। आप अगर पिछला डायग्राम देखे तो वहां पर भी यही कंडीशन थी, बीसी एसी से लेस देन थी। और क्या लेकर रखा, बीसी इज पैरेलल टू एडी, बीसी पैरेलल एडी हमें प्रीवियस क्वेश्चन में भी दिया था, और साथ में ये भी देकर रखा था कि एबी और सीडी ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट है। अब देखिए यहां पर हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ए बी सी, मतलब ये पूरा एंगल कॉन्ग्रेंट टू डी सी बी, इस पूरे एंगल के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आप देख रहे होंगे कि मैंने यहां पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके रखे, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ इसके लिए करके रखे कि जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट बताया, वैसे ही हम क्या करेंगे, यहां दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बता देंगे, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल लिख लेंगे, पहला ही काम करेंगे, इन दोनों एंगल्स को हम इक्वल लिख लेंगे, उसके बाद हमको इनको कॉन्ग्रेंट बताना है। ठीक है, तो वो अगली स्टेप आएगी, तो पहले मैंने यहां पर क्या जो क्वेश्चन लिख के रखा है उसी में आप एक काम कीजिए, यहां पर लिख लीजिए गिवन, क्योंकि पूरा का पूरा गिवन में आपको लिखना है, इतना ये आपको टू प्रूव में लिखना है, ये जो यहां पर लिखा हुआ है ये टू प्रूव में आप ये वाला लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर डायरेक्ट यहां करता हूं कंस्ट्रक्शन, यहां कंस्ट्रक्शन करना है हमको, कंस्ट्रक्शन क्या किया है, हमने कंस्ट्रक्शन किया है दैट इज बी इज परपेंडिकुलर ऑन एडी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर ऑन एडी, ये दो हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन किए हैं। ठीक है, अब हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ लिखिए क्योंकि ये थ्योरम टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूफ में लिखिए इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी सी एफ, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वही करना है, इनको दोनों को कॉन्ग्रेंट बताना है। ठीक है, पहले हम कॉन्ग्रेंट बता देते हैं, उसके बाद हम इन दोनों एंगल को इक्वल बता देंगे, और बाद में इक्वल बताने के बाद हम क्या करेंगे, ये दो एंगल सप्लीमेंट्री, ये दो एंगल सप्लीमेंट्री, दोनों का सम 180 है, तो दोनों को इक्वल लिख देंगे, और इन दोनों को भी ये इक्वल होंगे तो इनको कैंसिल कर देंगे, तो बचे हुए दोनों बी और सी आपस में इक्वल आ जाएंगे, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं। ठीक है, इन ट्राइंगल एबी एबीई एंड डीसीएफ क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले हम देखिए हमको इसको प्रूफ करने वाले हैं, तो हमको तीन चीजें इक्वल चाहिए, तो राइट एंगल एक तो इसमें है, राइट हाइपोटेनियस और फिर ये साइड। ठीक है, तो आरएचएस से हम प्रूफ करने वाले हैं, तो पहले हम एंगल लिख लें, लास्ट टाइम मैंने एंगल नहीं लिखा था, बाद में मैंने उसको ऊपर लिख दिया था आपके लिए, यह लिखिए एंगल ए बी
इज इक्वल टू एंगल डी एफ सी, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहां पर हाइपोटेनियस लिख दीजिए, दैट इज ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर यहां हम लिखेंगे, देखिए राइट हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, साइड यहां लिखिए बीई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ, ये क्यों, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज कॉन्ग्रुएंट और सेम, ओके। यह सिर्फ इतना लिखा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है, ओके। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज सेम, ये भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया राइट, मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, तो आरएचएस से, फ्रॉम आरएचएस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन व्हाट वी विल राइट, ट्रायंगल एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीसीएफ, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी क्या हो जाएंगे, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये होगी पहली बात। अब हमें, हमने एंगल ए और एंगल डी को कॉन्ग्रुएंट बता दिया, ठीक। अब हम वापस इस ट्रेपेजियम में आ जाते हैं, क्यों ट्रेपेजियम, क्योंकि ये तो जो है ये पैरेलल है, और ये ट्रेपेजियम में होगी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, क्योंकि ये दो साइड इक्वल है। अब इस ट्रेपेजियम में इन दोनों का सम, ए और बी का सम कितना है, 180 होगा, क्योंकि वो पैरेलल साइड के, जो पैरेलल साइड्स हैं उस उनके यहां के एंगल्स हैं, और ये दोनों का सम भी 180 होगा, ये दोनों का सम भी 180 होगा। तो यहां लिखिए इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बीसी इज पैरेलल टू एडी एंड एंड एबी इज ट्रांसवर्सल, एबी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल पूरा लिख लीजिएगा, तो क्या होगा, एंगल ए और एंगल बी का सम हो जाएगा 180 के इक्वल, ठीक है। इसको आप 1 ले लीजिए, और या इसको 1 दे दीजिए, यहां पर ज्यादा सही रहेगा, इसको 1 दे दीजिए, इसे 2 कर लीजिए, ठीक है। ये एक एंगल का सम, इनका सम हमने ये पेयर निकाल लिया, इनका 180, अब इनका भी लिख लेते हैं। सिमिलरली द सेम थिंग, बीसी इज पैरेलल टू एडी एंड सीडी इज ट्रांसवर्सल, सीडी इज ट्रांसवर्सल, अगर सीडी ट्रांसवर्सल है तो फिर क्या होगा, एंगल सी प्लस एंगल डी भी कितना होगा, 180 का होगा, 3। अब देखिए ये भी 180 का, ये भी 180 का, दोनों 180, दोनों को इक्वल लिख दो, दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका सम भी 180 है, इसका सम भी 180 है, तो लिखो यहां पर फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। अच्छा, एंगल ए और डी तो आपस में इक्वल है, फ्रॉम वन, एंगल ए और एंगल डी तो आपस में इक्वल है, यहां लिखिए फ्रॉम वन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, तो एंगल ए की जगह पर आप एंगल डी लिख दे तो भी चलेगा, एंगल डी इज इक्वल एंगल डी प्लस एंगल बी, मतलब ए की जगह डी लिख दिया, और ये इसको ऐसा कैसे लिख दो, डी डी कैंसिल हो जाए, तो ये होगा एंगल बी और सी आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर बी का नाम देखें तो बी मतलब क्या, बी को हम लिखे तो ए बी सी लिखेंगे, देखिए ई ए बी सी आ गया, और सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी को हम बी सी डी भी लिख सकते हैं, डी सी बी भी लिख सकते हैं, तो हम डी सी भी लिखेंगे, क्योंकि यही तो हमको प्रूफ करना है। तो यहां लिखिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, ठीक है, डी सी बी। अब ये अगर इक्वल आते हैं तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, ठीक है, तो इनको कॉन्ग्रुएंट लिख लीजिए, ओके दोस्तों। तो इस तरह से ये है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक दी स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों इस तरह का ये वीडियो था जिसमें मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको ट्रेपेजियम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में बताया। आई होप आपको जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया होगा, और मुझे पूरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जो भी क्वेश्चन ट्रेपेजियम से रिलेटेड हो या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम से रिलेटेड हो वो आप इजिली कर पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अगला वीडियो आपके लिए जल्दी ही लेके आऊंगा, जो भी 9th का सिलेबस बचा है, व्हाटएवर इज रिमेनिंग फॉर सेकंड सेशन, जो भी बचा है वो मैं पूरा आपका अपलोड कर दूंगा इस साल, क्योंकि मैं जानता हूं ये सारी की सारी चीजें आपको 10th में काम में आने वाली है।
और मैंने 10 तो आपके लिए ऑलरेडी करके रखा, तो वो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं आपके बचे हुए सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी। धन्यवाद।